यौम पाकिस्तान एक तारीख साज दिन। मार्च 1940 में लाहौर के मंटू पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोजा सालाना इजलास में एक करारदाद पेश की गई, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बर्रे सगीर में मुसलमानों के जुदा वतन के उसूल के लिए तहरीक शुरू की और 7 साल के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही। वो मुतालबा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये सब कुछ इतना आसान ना था। कायद आजम की सरबराही में हमारी मुस्तैद कयादत ने दहाइयों बाद पेश आने वाली सूरत हाल को भांप लिया, बगैर किसी शक के मुसलमान हिंदू अक्सरियती रियासत के तहत नहीं रह सकते। लसानी, तहजीबी और तबकाती रुकावटों को खत्म किया जा सकता था, लेकिन मुतासिबाना रवैयों और सोच पर काबू नहीं पाया जा सकता। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को होने वाले इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए पहली बार कहा कि हिंदुस्तान में मसला फिरकावराना नौयत का नहीं है, बल्कि बैनुल अक्वामी है, यानी ये दो कौमों का मसला है। There are two major nations. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 million of Muslims will never agree merely to a change of masters. उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क इतना बड़ा और वाज़े है कि एक मरकजी हुकूमत के तहत उनका इत्तेहाद खतरात से भरपूर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सूरत में एक ही राह है कि दोनों कौमियतों की अलहदा मुमलिकतें हों। दूसरे दिन इन्हीं खतूत पर 23 मार्च को उस जमाने के बंगाल के वजीर आला मौलवी फजलुल हक अल मारूफ शेर बंगाल ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसमें कहा गया था कि उस वक्त तक कोई आईनी प्लान ना तो काबिल अमल होगा और ना ही मुसलमानों को कबूल होगा, जब तक एक दूसरे से मिले हुए ज्योग्राफियाई यूनिटों की जुदागाना इलाकों में हदबंदी ना हो। बाल पार्क उस वक्त मिंटो पार्क होता था, वहाँ एक बहुत बड़ा जमे गफीर था जिसमें ये पेश की गई करारदादे पाकिस्तान, और ये तमाम लोगों ने बड़े जोश व खरोश से कबूल की और कायदे आजम ने सबसे ये दरख्वास्त की कि अब आप निकलें तहरीक पाकिस्तान को चलाएं, और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान जो थी वो चली। अब एक नज़र भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन पे जो गुजर रही है, मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो जिस तरह से अपने सर हथेली पर लेकर शहादत कबूल कर रहे हैं अपनी आज़ादी के खातर, उसे देखें तो हमें एहसास होगा कि इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान 1930 में जब आया तो कितनी हैरत अंगेज़ पेशबीनी थी इकबाल की, और फिर 1940 में जब उस तसव्वुर पाकिस्तान को कायद आज़म की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान बनाया गया तो फिर एक बहुत बड़ा संग मील हमारी तारीख का जो है वो हमें नज़र आता है। जब कोई मिशन स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं आजकल की ज़बान में, वो उसमें बिल्कुल वाज़े था कि एक फलाही इस्लामी ममलिकत बनेगी, हक़ खुद इख्तियारी और मुस्लिम कौम अपने लिए ज़िंदगी का एक ऐसा रास्ता मुकर्रर करेगी जो आज़ादाना राय के नतीजे में, पाकिस्तान वोट के नतीजे में आया था। जाहिर है कि हम कायद के ख्वाब को वो शक्ल नहीं दे सके, करारदाद पाकिस्तान को और तस्वुर पाकिस्तान को उस तरीके से मुकम्मल नहीं कर सके। करारदाद पाकिस्तान बुनियादी तौर पे वो बुनियाद है जो पाकिस्तान बनाने का बायस बने। मौलवी फजलुल हक की जानिब से पेश करदा इस करारदाद की ताईद यूपी के मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा, पंजाब से मौलाना जफर अली खान,
सरहद खैबर पख्तूनख्वा से सरदार औरंगजेब, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून और बलूचिस्तान से काजी ईसा ने की। अप्रैल सन 1941 में मद्रास में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर को जमात के आइन में शामिल कर लिया गया और उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई। ये हद कठिन सफ़र था इसलिए कि ये मुसलमानों की जुदागाना अलग कौमी रियासत कायम करने का ख्वाब था। हिंदू ने तो कभी हिंदुस्तान से बाहर हुकूमत नहीं की, लेकिन मुसलमानों ने पूरे यूरोप पे सदियों तक हुकूमत की है। ये खौफ मगरब के दिल में तब भी था, आज भी है, और वो मुसलमान मुल्कों को सही मानों में आज़ाद नहीं देखना चाहते। तो कायद आज़म का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने पाकिस्तान के तसव्वुर को तहरीक पाकिस्तान में मुंतकिल करके 7 साल के अरसे में जो दागादा मुसलमान ममलकत बर्रे सगीर के मुसलमानों को दे दी। ये सन 47 में बड़ी मुखालफत के बावजूद, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की मुखालफत और फिर ऑल इंडिया कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद, मुसलमानों ने अपने जमहूरी अमल से पाकिस्तान कायम कर दिखाया। मैं समझती हूँ कि वो सफ़र जो था वो इतना कठिन नहीं था जितना कि 1947 के बाद का सफ़र था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई और तकसीम अंग्रेज़ों ने एक शख्स रैडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी कि वो यहाँ पे एक लकीर खींचे, और ये लकीर जो थी ये बिल्कुल लकीर बेमानी सी थी जिसमें कोई उसने देखा नहीं कि ज़मीन पर हकायक क्या हैं, कितने मुसलमान किधर रहते हैं और कितने हिंदू कहाँ रहते हैं। नतीजा ये था कि उस लकीर की वजह से लाखों हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों ने हिजरत की, जो हिंदुस्तान बन गया उधर से यहाँ पाकिस्तान आए, और जो पाकिस्तान में थे हिंदू सिख वो हिंदुस्तान गए। लेकिन सबसे बदतरीन हालात जो थे वो फिरोजपुर और गुरदासपुर और इन इलाकों में हुई, क्योंकि ये बिल्कुल हर एक को यकीन था कि ये पाकिस्तान में शामिल होगा क्योंकि वहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी। और वो रेडक्लिफ ने हिंदुओं के साथ मिली भगत से वो नक्शा जो खींचा और जो लकीर खींची, उसमें एक बहुत दुश्वार गुजार रास्ता कश्मीर के लिए उनको दे दिया, जिसकी वजह से वो दिन गया कि आज का दिन आया। हम यही एक उनके साथ हमारी कश्मकश चल रही है, और ये सब अंग्रेज़ों ने बुनियादी तौर पर जान के छोड़ा। बहुत मुश्किल सफ़र था, गैर मुल्की आका थे, उनकी हाकमियत और हुक्मरानी थी, यहाँ पे मुस्लिम अकलियत में थे, और बड़ी तल्ख किस्म की गुफ्तगू, यहाँ पे एक मुबायसा था, मुआशरे के अंदर टॉलरेंस बहुत कम थी, तो मुसलमानों के अंदर भी जो मजहबी जमातें थीं उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था, सियासी नुक्ता नज़र के ऊपर भी बहुत सारी जमातें तकसीम शुदा थीं। सो मुस्लिम क़यादत को, कायदे आज़म को ये तस्लीम कराना, अंग्रेज़ को ये बावर कराना कि वो मुसलमानों के नुमाइंदा और मुस्लिम लीग उनकी नुमाइंदा जमात है, ये बहुत बड़ा टास्क था, ये बहुत मुश्किल काम था, जिसको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने पाया तकमील तक पहुँचाया, और ये बड़ा विजडम का काम था। अंग्रेज़ भी हमारे ख़िलाफ़ थे और हिंदू अक्सरियत भी हमारे ख़िलाफ़ थी, और दुनिया में ताकतें जो थीं वो कुछ हमारे हक़ में नहीं थीं, मगर इसके बावजूद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ाल क़यादत ने बहुत कम अरसे में एक दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क कायम किया। और जैसे कि कहा जाता है कि लोग तारीख़ का हिस्सा होते हैं, मगर कायदे आज़म वो लोग हैं जो ख़ुद तारीख़ हैं और तारीख़ बनाने वालों में हैं। चुनाचे वक्त के साथ साथ बहुत से सियासी रहनुमा थे जिनके कदोकामत में कमी आई, मगर हमारे लिए बायस फ़ख्र और काबिल इम्तियाज़ बात है कि वक्त के साथ साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कद जो है वो और ज़्यादा नुमाया होता जा रहा है, और उनकी हिकमत अमली की अब सभी तस्दीक करने लगते हैं। अभी आप हिंदुस्तान पर नज़र डालें, मुसलमानों के साथ जो वहाँ हो रहा है,
उससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि 70 साल के बाद भी जो मोदी की हुकूमत है वो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को और दूसरी मजहबी अकलियतों के साथ जो सलूक रवा रखे हुए हैं उसका अंदाज़ा कीजिए और शुक्र कीजिए कि परवरदगार आलम ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता किया जहाँ हमारे पास बहुत वसाइल हैं, इंसानों की एक बड़ी तादाद है, आपके हम ख्याल लोग हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं और हमारा दीन है और हमारी रवायत है और हम बहुत बड़ी तहजीबों के वारिस हैं, हम इस्लामी रवायत के वारिस हैं, हम कदीम तहजीबों के वारिस हैं, तो हमें फ़ख्र करना चाहिए और अपने ऊपर एक पाकिस्तानी होने के तौर पर फ़ख्र करना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला बिलाशुबा हमें सरबलंदी के रास्ते पर ले जाएगा। अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान मारे वजूद में आया। पाकिस्तान बनाने का अमल मुकम्मल हो चुका था, अब इसे आगे बढ़ाने और तरक्की की शाहराह पर गामजन करने का मरहला सामने था। एक नौमौलूद रियासत के सामने कई चैलेंजेस थे जिनको अबूर करना था। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियत और उनके साथियों की जिद्दोजहद ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिया था। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले हाजत नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होगी कायम हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका निशान तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करने करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता और हौसले बुलंद है। रियासत की तश्कील और चैलेंजेस को उबूर करने के लिए कौम को अपने कायद का साथ चाहिए था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान के कयाम के महज एक साल बाद रियासत पाकिस्तान को पहला सदमा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत की सूरत में उठाना पड़ा। अभी कयाम हुआ था मुल्क, फौरन ही जो बड़ी क़यादतें थीं, कायदे आजम रुख्सत हो गए और उनके बाद शहीद मिल्लत लियाकत अली खां को पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने रास्ते से हटा दिया और उसके बाद जो सूरत अहवाल हुई आप देखिए, 70-72 साल की इस तारीख में चार तो आपको सीधे सीधे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स नज़र आते हैं। ज़ाहिर है कि जमहूरी
روایت اپنے تسلسل میں مستحکم ہوتی ہے اور عوام بھی سیکھتے ہیں اور سیاستدان بھی سیکھتے ہیں اور سب مل کر اس کی شکل دیتے ہیں, مگر بعض بعض اس میں روک پیدا کی جاتی تھی اور اس کو کوئی بھی ذمہ دار ہو, مگر یہ صورتحال تو حقیقی ہے کہ چار بار مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز اس ملک پر حکمران رہے. اب جو سیاسی قوتیں کار فرما تھیں اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت ترقی ہوئی بہت سی چیزوں میں, کتنی ہمارے ہاں یونیورسٹیاں بنی ہیں, کتنے اسپتال بنے ہیں, کتنی فرض کیجیے سڑکیں بنی ہیں, ہمیں اکیڈمی طاقت ہیں اور دوسری بہت بہت سی باتیں ہیں. دفاعی شعبوں میں ہم نے بہت ترقی کی ہے, علمی شعبوں میں ہم نے بہت ترقی کی ہے, طرز زندگی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے, مگر جس طرح سے معیشت کو مستحکم ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا, اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ برین ڈرین جس کو ہم کہتے ہیں, کہ بہت سے ہمارے ذہین اور خلاق لوگ جو تھے وہ ملک سے ترک سکونت کر کے امریکہ میں اور یورپ میں جا کر آباد ہو گئے اور وہاں اپنا مقام انہوں نے بنایا. ظاہر ہے کہ یہ بڑی غربت ہوتی ہے, علمی غربت, اس کا ہمیں نقصان ہوا اور اب بھی ہماری طاقتیں جو ہیں وہ مکالمے کی روایت پر عمل نہیں کر رہی ہیں اور مسلسل تصادم کا راستہ اختیار کر رہی ہیں جو کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتا, اور جمہوری عمل کو چلتے رہنا چاہیے. جمہوری روایت کے تسلسل ہی میں ملک کا استحکام بھی ہے, ملک کی بقا بھی ہے. اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نا میں بھی. ہاں میں اس طرح سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو اس خطۂ زمین کی صورت حال کیا تھی, وہ انتہائی پسماندہ علاقہ تھا. اس پسماندہ علاقے نے حیرت انگیز طور پر مادی ترقی کی ہے. اب یہ مادی ترقی ذرا غیر ہموار ہے, اسے ہموار بنانے کے لیے ہمیں پھر سے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو سامنے رکھ کر اپنے قوم کی تعمیر نو کا فریضہ سر انجام دینا, ایک یہ بات ہوئی. دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس مختصر عرصے میں پاکستان دنیا کی واحد ایسی طاقت بن گیا ہے, خاص طور پہ مسلمانوں میں, کہ جو جوہری طاقت سے جس کے خزانے لبریز ہیں. ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں بنایا, اس خواب کی حقیقت جو تھی اور جو راستہ تھا وہ دھندلایا تو اس طرح نہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ کیونکہ قائد اعظم کا وصال ہو گیا ایک ہی سال کے بعد, تو جو ان کی ایک تھی باریک بینی اور جو داستہ وہ دیکھ سکتے, اسے دکھانے والا کوئی نہیں رہا. ہماری قیادت جو تھی وہ اس طریقے کی رہی نہ جیسے کہ قائد اعظم کی اپنی قیادت تھی. جس سمت کا تعین کیا گیا تھا وہ جمہوریت تھی, طرز حکمرانی جمہوریت تھی, ریاست ایسی جس میں ہر شخص کو ماڈرن ریاست کے جو بینیفٹ ہیں وہ حاصل ہو سکے. انفارچونیٹلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد فوت ہو گئے اور اس کے بعد لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے. ہمارے ہاں کیونکہ جمہوری رویے تو پہلے تھے نہیں, جمہوری عادات پہلے تھیں نہیں, سو ہم نے پورا ایک سماجی ڈھانچہ اور یا سماجی سوچ بدلنی تھی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی مضبوط اور ٹاورنگ لیڈرشپ کے ذریعے ہی ہو سکتی تھی, کیونکہ پورے جو ریاستی ادارے تھے ان کی سمت کو تبدیل کرنا اور انہیں سویلین سپریمیسی کے نیچے لانا یہ ایک بہت مشکل کام تھا. لہٰذا سمت تو گم رہی, اور اس کے بعد بھی آج تک ہم جو آئین بنایا تھا جو عوامی منگوں کا ترجمان تھا آج تک بھی اس آئین کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کر پائے. پاکستان ایسا ہے, پاکستان پاکستان
نئی ریاست کو چلانے کے لیے آئین کی تشکیل اہم مرحلہ تھا۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین اپنایا گیا جس میں مملکت پاکستان کو دنیا کا پہلا جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ بعد ازاں محض 2 سال بعد ہی ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کے ساتھ ہی 1956 کا آئین بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ پاکستان کو دوسرا آئین 1962 میں، جبکہ 1973 کے آئین کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ پہلا آئین تھا جو عوام کے منتخب نمائندوں نے بنایا تھا۔ سوال یہاں یہ ہے کہ قائد اعظم نے ریاست پاکستان میں دستور کی تشکیل کے لیے جن نکات کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی، کیا آئین سازی میں ان رہنما اصولوں کو مد نظر رکھا گیا؟ ہماری جو ریاست پاکستان تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ یہاں جتنے لوگ بستے تھے ان کی ایک جیسی حیثیت ہو، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں۔ اور بلکہ 11 اگست کو قائد اعظم نے خاص طور پہ اس پہ نشاندہی کی ہے کہ آج ہم اس منزل کی طرف آگئے ہیں جہاں آپ اپنے مساجد میں، اپنے گرجوں میں، اپنے مندروں میں آزادی سے جا سکتے ہیں، اور جس چیز کی آپ چاہتے ہیں، جس مذہب کی آپ پیروی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہماری ریاست کا کام کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، جس کی جو مرضی عقیدہ رکھے۔ اور یہ جو ہمارا جھنڈا ہے جس میں 3/4 حصہ سبز ہے، یہ تو اکثریت کے لیے تھا، اور اقلیتوں کے لیے وہ سفید حصہ تھا جس کو ہم نے تار تار کر دیا۔ جو بھی ہم اپنی اقلیتوں سے کر سکتے ہیں وہ ناگفتہ بے ہے، اور قائد اعظم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بنانے میں شامل تھے، جو یہاں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تعلیم دینے میں شامل تھے، جو یہاں صحت کی سہولتیں جو تھیں وہ شہریوں کو دینے میں شامل تھے۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 1973 کا آئین قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فاؤنڈنگ فادرز کے جو خواب تھے، جو خیال تھے، اس کے مطابق ہی تشکیل دیا گیا تھا۔ پھر اس میں ترمیم تخفیف ہو گئی، پھر ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ 1940 کی قرارداد میں جو بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر 1947 کو جو 11 اگست کی اسپیچ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، ہماری جو دستور سارا سمجھی اس کو، وہ فاؤنڈنگ پرنسپلس تھے، اس کے اندر طے شدہ جو باتیں تھیں اسی کے اوپر بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان کی۔ جو باتیں قائد اعظم نے کہی تھیں تمام شعبوں کے لیے، مثلا انہوں نے فرمایا تھا کہ اتحاد ہونا چاہیے، اور تنظیم اور نظم ہونا چاہیے، اور دین کو مستحکم ہونا چاہیے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ بھئی اسپریچول ڈیموکریسی کی روایت، فلاحی اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آئے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ پہلے دن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قوموں کی زندگی میں 70-75 سال کچھ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، مگر ان سالوں میں بھی بہت سے ملکوں نے پیش رفت کی ہے، اور آپ دیکھیے آپ کے سامنے بہت سے بے شمار ایسے مسلم ملک ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے زندگی شروع کی۔ ملیشیا آپ کے سامنے ہے، اور اس کی مثال بنگلہ دیش آپ کے سامنے۔ اگر آپ دیکھیے تو ان کا تعلیمی سلسلہ اور ان کی معیشت کی صورت احوال ہم سے بہتر ہے، اور یہ بہت اچھے مسلمان ہیں اور بہت ہی دیندار لوگ ہیں دونوں جگہ۔ تو یہ ہم نے پوری طرح جمہوری روایت کو جمنے نہیں دیا، عدل کی روایت کو قائم نہیں کیا۔ دیکھیے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہوں گے فرض کیجئے، لیکن ہمارے ہاں ایک الزام تراشی اور ہر ایک کو کی حب الوطنی پہ شبہ اور مکالمہ نہیں چلنے دیتے۔ اس وقت جو مروجہ آئین ہے پاکستان کا، وہ تحریک پاکستان کے قائدین حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور ان کے رفقائے کار کے جو جمہوری عوامی تصورات ہیں، انہیں سامنے رکھ کے پاکستان کا آج کا مروجہ آئین تشکیل پایا تھا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کئی نشیب و فراز دیکھے۔
कभी पड़ोसी दुश्मन मुल्क की दखल अंदाजी तो कभी अंदरूनी सियासी चप्पलिश, कभी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तो कभी माशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सर तोड़ कोशिश। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद हर मौके पर लोगों ने एक कौम होने का सबूत दिया जिसकी मंजिल एक है। 23 मार्च के दिन मुसल्ला फौज की परेड इस बात की मजहर है कि हम एक कौम हैं, और इस दिन की याद दिलाता है जब इसी दिन मार्च 1940 में करारदाद लाहौर पेश की गई। ये दिन याद दिलाता है कि हमारी मंजिल एक है, रास्ता चाहे कितना ही कठिन हो लेकिन हमने हर चैलेंज का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। 2008 में मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और दहशत गर्द हमलों के पेश नजर 7 साल तक इस परेड का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। 2015 में पूरे जोश और जज्बे के साथ परेड का दोबारा इनेकाद किया गया और ये पैगाम दिया गया कि मुल्क और कौम ने मुत्तहिद होकर अपनी मुसल्ला फौज के साथ न सिर्फ दहशत गर्दी का मुकाबला किया बल्कि दुश्मन को शिकस्त फाश भी दी। किसकी हिम्मत रास्ता रोके, हम खुद रास्ता बन जाते हैं। अगर हमने जमहूरी तरीके से मुल्क को चलाना है तो उसकी बुनियाद आइन रख दी हो, सबको आइन को मानना होगा और आइन पे अमल करना होगा। आइन को इत्माम हुज्जत के तौर पे नहीं लेना बल्कि उसको रूह के मुताबिक लेना है, इस पे अमल करना होगा, ये उसकी बुनियाद बनेगी। तमाम इदारे इसके ताबे होंगे, इस पे अमल करेंगे, इसके अंदर दर्ज अपने दायरा-ए-कार के अंदर रहेंगे और फिर अवामी यानी सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या कोई दूसरे इदारे हैं उनको अवामी एहतसाब का सामना हो, अवाम का दबाव, अवाम की एजुकेशन हो, अवाम का दबाव उन पर हो और उसके नतीजे में वो जो अवामी राय आमा है वो हुक्मरानों को बांध के रखे। हुक्मरान सिर्फ सियासतदान नहीं होते, सारे जो हैं, तो तभी ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये सारी दुनिया का लर्न्ड तजर्बा है, ये हमारा कोई अनोखा काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते जमहूरियत है और आइन पे अमल नहीं करते तो हम किसी मंजिल पर नहीं पहुँच पाते। सबसे पहले तो ये है कि नौजवानों को इस पर मुतहर्रिक होना है ज़रूरी। 60% हमारी आबादी है ही नौजवानों की और वोटरों की भी, और इस्लाम जो है उसकी बुनियाद जो है वो जमहूरियत है। हमारे पहले 4 खुलफाए राशिदीन जो थे वो जमहूरी तरीक़ेकार पे मुंतखब हुए थे। आमरियत के आने के बाद जो इस्लाम था उसका तनज़ल शुरू हो गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि जमहूरियत कायम रहे और आमरियत जो है वो ना आए, और जब जमहूरियत कायम है तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें हिस्सा वो नौजवानों का है। ये जो गैर हमवार तरक्की है इसे हमवार बनाना, मसलन तहरीक पाकिस्तान के जो मंशूर थे 1946 के इलेक्शन के मुख्तलिफ इलाकों में, उन सब में एक चीज़ बहुत नुमाया थी कि जब पाकिस्तान बनेगा तो अंग्रेज़ों का लाया हुआ जागीरदारी निज़ाम और सरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान में एक यकसा निज़ाम होगा कि जिसमें अमीर गरीब दोनों पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तरक्की की शाहराह पे दौड़ते चले जाएंगे, मुल्क को भी तरक्की देंगे, ख़ुद को भी खुशहाल बनाएंगे। तो होनी चाहिए और मुकालमे ही से जमहूरी रवायत मुस्तकम होती है, और आवाम जो हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी असम्बलियों में और अपनी कौमी असम्बलियों में, अपनी सूबाई असम्बलियों में ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो ज़माने की रफ़्तार को समझते हों, ज़रूरतों को समझते हों, कौमी तरजीहात को समझते हों, और जब तक जमहूरी इदारे मुस्तहकम नहीं होंगे और सब इदारों को, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मुकन्ना हो, ज़राए बलाग़ आम्मा हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, फ़ौज हो, इन सब को अपने अपने दायरे कार में काम करना पड़ेगा और तभी मुल्क में जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ भी अपना काम सही तौर पर अंजाम दे सकेंगी। ज़राए बलाग़ आम्मा को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा और गोया ख़बर को और राय आम्मा को हमार करने में कौमी तरजीहात को पेश नज़र रखना होगा, और तभी सब मिलकर हम इस कौम की तशकील कर सकेंगे।
गरीब को, महरूम तबकों को, मजबूर तबकों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, अपनी ख़वातीन को उनके हुकूक देने पड़ेंगे, हमारे उलमा को सही तौर पर दीन के की सही रूह से की तरबियत करनी पड़ेगी, उनको इस्लाम के जो बुनियादी मसावात के और अदल के और सबके एहतराम की रवायत है उसको रासिख करना पड़ेगा, और तभी एक फलाही इस्लामी ममलकत का क़याम अमल में आ सकता है, जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ाए कार का मकसूद था, जो करारदाद पाकिस्तान का मकसूद था, और ये मकसद हासिल किया जा सकता।